Dear students, welcome on RC online Patsala. Today we start question number 6 of exercise 5.2. Using determinants, find the equation of line passing through the points this one and this one, and also find the area of the triangle if the third point is this one. Dekhiye, kya likhe? Equation of line. Equation of line passing through the points 3, 1 and 9, 3 will be, देखो क्या बताया था, x, y, 1 क्या होगा, x1, 3, 1, 1, 9, 3, 1 इक्वल टू 0। देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ, कई सोच रहे होंगे कि ये इक्वेशन बनती कैसे है। देखो ये फॉर्मूला आपको लर्न तो है ही, x1, y1, 1, x3, x2, y2, 1 इक्वल टू 0, ये आता कैसे है तो समझिएगा। देखिए ध्यान दो कि ये आया कैसे था। आप ये मान के चलो कि ये आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है और सी के क्या है, x2। इस पॉइंट बी के x2, y2। तो मैं एक अनदर पॉइंट वाई करा देता हूँ, कहाँ पर, सी, इसी लाइन पर, और उस लाइन के कोऑर्डिनेट बोल देता हूँ x, y। तो अब देखो ए बी सी ऑल थ्री पॉइंट्स लाइन इन ए सेम लाइन, या फिर ऑल थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर है तो आपको पता है क्या फॉर्मूला था, x y 1, क्या था, x1 y 1 1 x 2 y 2 1 x 3 y 3 1, ये यूज किया था आपने। अब मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन में, जो x2 y 2 है उसकी जगह पे क्या कर दिया, x1 y 1, यहाँ पे x2 y 2 ले लिया और यहाँ पे x1 y 1 की जगह क्या ले लिया, x y। आगे ना बात समझ में, मतलब ये कोलिनियर के ही कॉन्सेप्ट है, केवल जो पॉइंट x3 y 3 लेते थे उस पॉइंट की जगह मैंने अपनी मर्जी से x1 y 1 ले लिया। और आप इनको अगर चेंज भी करते हो तो भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि सामने जीरो है। अगर नेगेटिव होगा तो वो भी जीरो में चला जाएगा, तो कोई दिक्कत तो वाली बात है नहीं। तो ये चीज है, लेकिन आपको ये सब याद नहीं रखना, आपको तो केवल क्या फॉर्मूला लर्न रखना है, फॉर्मूला से काम चल जाएगा, देखिएगा उसके बाद। और वैसे भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आपके डाउट्स आते हैं और आप पूरा पढ़ लो, तो जब हम ऑनलाइन क्लास करेंगे उस टाइम में सबसे पहले जितने भी चैप्टर ऑनलाइन करा दूंगा, इन सबको आपने कॉपी में नोट कर ही लिया होगा, और इनसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल हो या क्वेश्चन हो या मिसलनियस एक्सरसाइज में हो, उन सबको आप सोल्व करो। और आपको कोई डाउट भी है तो सबसे पहले जब आप क्लास में आओगे हम उन डाउट्स को पहले डिस्कस करेंगे। और मेरे को जो लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया, अब ऐसा कोई और क्वेश्चन है उसको आप अपने आप करोगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो अपने से करो, वो होने चाहिए जब आपने ये कर लिए। तो मैं पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीटली ऐसे ही सोल्व करवा रहा हूँ, ताकि आप उसी को यूज करके सारे क्वेश्चन सोल्व कर लो। तो देखिएगा अब इसे देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, एक्स इंटू क्या होगा, देखो 1 - 3 एक्स, तो ये क्या होगा 1 और ये -3, ऐसे ही माइनस वाई क्या आएगा, 3 - 9 और +1, तो 9 - 9 0 हो जाएगा, उसको मैं छोड़ देता हूँ, इक्वल टू 0। तो क्या होगा यहाँ से, माइनस का 2x और माइनस का 6, प्लस का 6y इक्वल टू 0। माइनस ये रहा और यहां से क्या आया, -6, तो -6y हो गया। अब इसे देखो, -2 कॉमन ले लो तो क्या आया, x - 3y इक्वल टू 0। अब 0 इस -2 को अपॉन में सेंड कर दो तो क्या हुआ, x - 3y इक्वल टू 0। तो आपके पास ये आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।
देखिए क्वेश्चन क्या था, यूजिंग डिटरमिनेंट, हमने डिटरमिनेंट यूज कर लिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू बोथ पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन दिस वन, हमने फॉर्मूला लगाया, इसको सोल्व किया, हमारा ही आंसर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो इसने क्या कहा है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ द थर्ड वर्टेक्स, ये थर्ड पॉइंट इज -2, -4। अब इसे भी देखो, और ये तो आपको आना भी चाहिए, -2, -4 है, तो मैं लिखता हूं, देखिए ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल होल्स वर्टिसेस आर 3, 1, 9, 3 एंड -2, -4 विल बी क्या होगा 1/2 x1 y1 1। अब करो 3, 1, 1, 9, 3, 1 -2, -4, 1। अब इसे आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, तो सोल्व करके देख लो, सोल्व करके देखिएगा 1/2, उसके बाद देखो 3 into ये क्या आया 3 + 4, देखो 3 और -- क्या हो गया प्लस, तो 3 + 4 यहां पे क्या आएगा -1, उसके बाद देखिए -1 आएगा, उसके बाद देखिए इसको इससे करो 9 + 2 और यहां पे क्या आएगा 1, और 1 के साथ क्या आने वाला है 36, ये 1 है माइनस का 36 और क्या बच गया प्लस का 6, ये आ गया। अब उसके बाद सोल्व कर लो, यहां पे क्या होगा 1/2, उसके बाद देखिए 7 × 3 = 21 -11 और -30, यानी आपके पास क्या आया 1/2 21। इधर देख लो इसको, हो सकता है कि आपको वीडियो में ना दिखे, देखिए 1/2 और क्या लिखा 21 - 41 और यहां से क्या आएगा -20/2 यानी -10। अब क्या आया एरिया, एरिया फाइंड आउट करवाया है आपसे, तो एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, जैसे आप बोल दो कि ये आपका क्या है कोई ट्राइंगल है तो इसका एरिया फाइंड आउट करो, क्या इसका एरिया नेगेटिव हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ना आप इसका ये रीजन सेटेड करो तो सेटेड रीजन कुछ तो एरिया रखेगा ना, इसलिए तो आप क्या करोगे 10 नेगेटिव था उसको पॉजिटिव बनाया, और उसके बाद ये यूनिट लगाना जरूर लिखोगे स्क्वायर यूनिट, और यही आपका क्या है आंसर है। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट देखिए,